है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी भी आप सील की एक्सपेक्टेशन से मत जाइए लोगों के पास, या किसी को कॉल भी करते हैं ना, इनवाइट भी करते हैं, तो सेल की एक्सपेक्टेशन से मत करिए। आप बताइए कि मैं एक नया प्रोडक्ट आपको बताने आ रहा हूं, सिर्फ आप करेंगे नहीं करेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, ये सब आपकी मर्जी। तो हमारा काम क्या है, अवेयर करना लोगों को। हम जितने ज्यादा लोगों को अवेयर करेंगे, जितने ज्यादा को डेमो दिखाएंगे, उसी रेशियो में नीचे से सेल कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हमारा, हम कितने सेल होंगे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने लोगों को हम बता सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। नए लोगों के लिए इतनी ही बातें थी। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ अजीत सिन्हा सर हैं, सबसे पहले उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूं। अजीत सिन्हा सर के बारे में थोड़ा सा बता दें आप लोगों को। अजीत सिन्हा सर रिटायर्ड DSP हैं और वेल सेटल्ड पर्सन है पटना में। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 14 सालों का अनुभव इनको नेटवर्क मार्केटिंग का भी है। एमवे में इन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा, और एमवे के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं करने का डिसीजन लिया हुआ था कि मुझे और कुछ नहीं करना, लेकिन हमारी मशीन और पानी से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो सर को आज मैंने इनवाइट किया है इसलिए कि उनके पास एक बहुत गहरा अनुभव है, तो वो बताएंगे कि इवेंट्स का महत्व क्या होता है, ठीक है ना। इवेंट्स के ऊपर क्यों हम इवेंट करें, कैसे करें, और इवेंट करने से क्या, कैसे हम लोग फास्ट, जो लोग कभी नेटवर्क मार्केटिंग जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी फास्ट सीखे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा मकसद क्या है कि हमारी टीम में जो लोग भी आ रहे हैं, अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो उनको एक ऐसा माहौल मिले कि वो तेजी से ग्रो कर जाए। तो अजीत सिन्हा सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। हाँ, स्टार्ट। मेरी आवाज स्पष्ट है सर? एकदम स्पष्ट है सर। राइट सर। तो सबसे पहले तो सर हम आपके बहुत आभारी हैं सर कि हमरे जैसे अभी इनिशियल लेवल के आदमी को आपने मौका दिया सर अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बहुत पॉपुलर सेइंग है सर कि द बिजनेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी, और ये ट्रू भी है सर, बट इसको इजी बनाया जा सकता है। और इजी कैसे हो सकता है, जब हम टूल्स को सही तरीके से यूज करना जाने। ऐसे तो टूल हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंस रखता है सर, बिना टूल के कोई काम नहीं होता है। हम सिंपल सी बात हाउसवाइफ के बारे में सोचें सर, कि अगर हमारे घर में आटा है और चकला बेलना नहीं है, तावा नहीं है, तो क्या रोटी बन सकती है? अगर रोटी बनती है तो कैसी रोटी बनेगी? और दूसरा एक सिचुएशन देखा जाए कि हमको रोटी बनाना है, मेरे पास चकला बेलना तावा सब है, लेकिन उसको यूज करना नहीं आता है, हमको, हमसे भी रोटी नहीं बनेगी। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ टूल्स हैं, जैसे हमारे एनर्जी के लिए क्या क्या टूल्स हैं। तो सबसे पहला टूल तो हमारा प्रोडक्ट है जो एक हीरो है। इसके पानी को पिला के बहुत सारे लोग इस मशीन को बाई करते हैं। दूसरा टूल है हमारे एक्टिव अपलाइन, उनसे भी लोगों को मिलवाते हैं तो रिजल्ट आता है। तीसरा टूल है सेमिनार्स, उसके बारे में हम अभी थोड़ी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। और भी टूल्स हैं, वीडियोस, जूम मीटिंग, बुक्स, बहुत सारे ऐसे लर्नेड लोग हैं जो हिरोमी सिनिया की किताबें मांग के और वो उस नॉलेज को गेन करके कंगन मशीन का, एनर्जिक का
इम्पोर्टेंस जान पाते हैं, वो लोग भी बाई करते हैं। तो अब हम इसको आ जाते हैं इवेंट्स पर, और इवेंट्स को समझाने के लिए थोड़ा सा हम बैक में एक दो लाइन बोलना चाहते हैं कि जब हमने 2001 में एमबीए शुरू किया था तो हमको 40 नोज शुरू में मिला था। हम अपने होटल में लोगों को, चूंकि एयरपोर्ट पर पोस्टेड थे और इवनिंग में मेरा इतना ही काम था कि पपलू खेलना और लोगों के लिए इवनिंग का खर्चा सब बियर करना। बहुत लोग आते थे सर। तो जब हमने एमवे स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे हम अपने स्पॉन्सर को बोले, क्योंकि स्पॉन्सर ने प्लान दिखाया था कि आपको 9 आदमी को स्पॉन्सर करना है, वो 9 को 6-6 करेंगे और 6 3-3 करेंगे, यू विल बिकम सिल्वर और आपको उस 2001 के जमाने में 50,000 रुपीज आएगा। हम बड़ा एक्साइटेड हुए थे सर। हम बोले कि लीजिए, कल बुलाते हैं, जिसको बुलाएंगे आ जाएगा। और रियली हमने फर्स्ट डे जिसको जिसको बुलाया 32 लोग आए सर, और वो 32 लोग बड़ा देखे और एक्साइटेड हुए और हमसे प्रोडक्ट मांगे होम्योपैथिक की। हम छोटी छोटी सीसी मंगा के सबको प्रोडक्ट, कार वाश का, तो कपड़ा धुलाई का, जो जो प्रोडक्ट था सर, जो हम जानते थे 2-4 प्रोडक्ट, हमारे स्पॉन्सर नहीं। और स्पॉन्सर को हमने कहा था कि देखिए भाई, वो 9 सेलेक्ट कर लेंगे आप, उसके बाद हमको फ्री कर देंगे ना, उनका 6 और 6 का 3-3 आपको बनाना है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। और जो 32 लोग आए सर, सेकेंड डे उन लोगों से बात करने लगे, किसी ने कहा कि अजीत कहाँ चक्कर में पड़े हो, भाग जाएगा, कोई कहा कि अमेरिकन है, ऐसा विदेश चला जाएगा, कोई कुछ बोला कि बहुत कॉस्टली है, और एक आदमी ने भी ज्वाइन नहीं किया सर। मेरे लिए एम्ब्रेसिंग ये था कि कोई ज्वाइन नहीं किया, इसकी हमको चिंता नहीं थी। चिंता इसकी थी कि हम क्या स्पॉन्सर को बोलेंगे, हम बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दिए हैं कि वो तो कल हो जाएगा 9 लोग, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बड़ा चोट लगा सर हमको। और 3 दिन स्पॉन्सर नहीं आए, उनको पता था कि यही होने वाला है। 3 दिन के बाद आए तो वो हमारे इस बिजनेस के बारे में बात नहीं किए, कुछ और बात करने लगे। फिर हम ही बात निकाले। फिर जानते हैं पटना का लोग किसी काम का नहीं है, सब नालायक है। तो बिहार बाहर का, हजारीबाग, रांची, टाटा, ये सब के बहुत अच्छे लोग हैं, चला जाए, हम गाड़ी निकालते हैं, चलिए। उन्होंने कहा क्या 10-15 दिन और सर पटना में रहा जाए, कुछ लोगों को बात करते हैं। इस तरह से करके सर 6 महीना मेरा बीत गया। कुछ प्रभाव से 5-10 लोग ज्वाइन किए, 4,000 की किट आती थी। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था कि अगले महीने से कोई पॉइंट उनसे नहीं आता था, कोई कुछ भी नहीं खरीदते थे। तो 6 महीने के बाद हमने मन बना लिया कि हमको ये बिजनेस छोड़ देना है, हमसे नहीं होगा। हमारे स्पॉन्सर बहुत होशियार थे। होशियार का मतलब वो इंग्लिश में 3 वर्ड है सर, क्लेवर, कनिंग, वाइज। तो क्लेवर और कनिंग नहीं थे, वाइज थे। उन्होंने कहा, उनको किसी ने बताया था कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा सेमिनार है, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग रहेंगे और 2900 का टिकट है। आवाज क्लियर जा रही है ना सर? 1900 टिकट है, राइट सर? तो हम अपने स्पॉन्सर बोली क्या रे भाई, उसमें क्या खाना वाना का भी अरेंजमेंट है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, 2 दिन की एंट्री फीस सिर्फ है 2900 रुपया। अब सोचा जाए सर कि 2001 की बात है, उस समय का 2900 आज का लगभग 30,000 हुआ सर।
लेकिन वो हमको मनाने में सफल हो गए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, वर्थ सीइंग नहीं लगेगा, तो आपको हम पैसा दे देंगे। हम कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या बात है, चलिए। हम बताते हैं सर कि उस सेमिनार को देखने के बाद क्या हुआ, वहां से सर यू टर्न लिए हम, और हम अपने साथ सिर्फ अपने उस 10-12 लोग जो 6 महीने में ज्वाइन किए थे, उसमें से एक व्यक्ति को हम ले जाने में सफल हुए। हम लोग दोनों मिलके 3 महीना के बाद कलकत्ता में साइंस सिटी में सेमिनार लोगों को ले गए, और उसके बाद बॉम्बे में थी सर तो 100 लोगों को ले गए थे, और मेरी बिजनेस बिल्कुल स्टीप वो ऊंचाई पर चली जा रही थी। विदिन 6 मंथ आई बिकेम सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लैटिनम, देन फाउंडर प्लैटिनम। और उस जमाने में 2002-03 में 80,000 से 1,00,000 रुपया था। लेकिन एक प्रॉब्लम था सर, उसके बाद 2004-05 या 06 में लगता है हम प्रमोट हो गए डीएसपी में, तो कहा जाता है ना कि मोमेंटम हो नेटवर्किंग में, जब मोमेंटम क्रिएट हो जाए तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मोमेंटम का मतलब होता है कि अगर हम स्विमिंग करें जाके गंगा के किनारे और बीच गंगा में चले जाएं जहां करंट बहुत स्ट्रांग हो, और हम चित पोस्चर में सिर्फ हाथ डुलाते रहें 100 किलोमीटर आसानी से बिना कोई एक्सर्शन के हम चले जाएं, लेकिन अगर वही हम करंट के उल्टा या किनारे में स्विमिंग करना चाहेंगे तो बहुत ताकत लगेगा। हुआ यही कि जब मेरी प्रमोशन हुई तो मेरा मोमेंटम टूट गया, क्योंकि हम सेमिनार जाना, ग्रुप को लीड करना छोड़ दिए। तो एक प्रॉब्लम है उस नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग की, कि जो जो एनर्जिक में नहीं है, जो हमने इस 1 साल में ऑब्जर्व किया कि हर नेटवर्क मार्केटिंग में, कम से कम एमवे में तो जरूर, कि 2-way ट्रैफिक है। हर महीने में 150 लोगों को हम एप्लीकेशन लाती थी मेरी टीम, तो 100 लोग उल्टे रास्ते से बाहर चले जाते। इस तरह से ऑलवेज आपको माउंटेन पर स्टीप चढ़ाई चढ़ते जानी है। 100 लोग बाहर जा रहे हैं तो 150 लोगों को अंदर लाना होगा, अदरवाइज आप नीचे गिरते जाएंगे। यहां एनर्जिक में हमने 1 साल में ऑब्जर्व किया कि यहां 2-way ट्रैफिक नहीं है, और ये बाकी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से इसको डिफरेंट बनाता है। हमारे साथ जो आ गए, हमको पूरा भरोसा है कि जीवन भर रहेंगे, दोबारा हमको कुछ नहीं करना होगा। अब इवेंट्स की बात करते हैं हम, कि चूंकि हम दिल्ली, कलकत्ता और बॉम्बे को यूज कर रहे थे, उस जमाने में पटना में कोई सेमिनार नहीं होता था, लेकिन 2002 से जब सेमिनार होने लगा तो जिस मीटिंग में, जिस सेमिनार में हम 50 और 100 लोग ले जाते थे, वो उस सेमिनार में एक सेमिनार से दूसरे मंथ के सेमिनार में 100 से 200 होने लगे, 200 से 350-400 होने लगे। अगर हमको सेमिनार को प्रमोट करना हम अच्छे तरह से सीख लें, यानी कि टूल्स को सही तरीके से यूज करना सीख लें और टूल्स को यूज करें, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग या एनर्जिक हो बहुत आसान हो जाए। अब आप देखिए कि 1 साल से जो थोड़ा बहुत हम अनुभव रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, हमारे सब एफर्ट के बाद भी हम सिर्फ 2A पर
स्टेगनेट कर रहे थे, अटके हुए थे। और इस सेमिनार में जो जो 13th को हुआ फरवरी को, मेरे 42 आदमी मिलके हम लोग 40 लोग ले गए थे। और फर्स्ट डे जब फॉलो अप किए तो एक साथ 4 एप्लीकेशन आया एक फॉलो अप में। और अभी हमको समय नहीं मिल पा रहा है, 40 में कम से कम 25-30 एप्लीकेशन आने जा रहा है। तीसरी बात, आज मेरी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि अगली सेमिनार 13th मार्च को है, दीपक सर ने अनाउंस किया है, और आज मेरी टिकट 85 निकल चुकी। किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 20। सेमिनार की ताकत, आखिर क्यों इतना ताकतवर? आप जानिए कि जब हम अकेले किसी से बात करते हैं तो लोग समझता है कहीं मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है, कहीं मुर्गा तो नहीं बना रहा है हमको। और जब इवेंट्स में बैठते हैं हम लोग तो वहां देखता है जब भीड़, तो कहता है कि अरे इतने लोग तो मूर्ख एक साथ नहीं हो सकते, उनकी सोच बदल जाती है। इवेंट्स में, सेमिनार में जब वो शुरू में बैठते हैं और निकलने समय ही बिकम्स ए डिफरेंट मैन, उनकी बोली चल जाती है, उनका पोस्चर चेंज हो जाता है। तो इवेंट्स को हमको प्रमोट करना सीखना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे सर का हम इतना गुणगान क्यों करते हैं, अपलाइन उसी को कहते हैं जो एक नट कस दे और गाड़ी आपका फर्स्ट क्लास चलने लगे। आप परेशान है, एक हमारे गुरुदेव कहते थे, अब कहानी का समय नहीं है इसलिए लेट हो रहा है, छोड़ दीजिए वो कहानी, बाद में कभी बात करेंगे। तो मेरा कहना है कि सर ने तो सारा कंसेप्ट ही चेंज कर दिया, दीपक सर ने। इन्होंने कहा, जब हम लोग बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में ले जाते थे पटना में या कहीं और, क्योंकि उस सेमिनार का नाम, मंथली सेमिनार का नाम होता था बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, बिजनेस बिल्ड करता था, बिलीव बिल्डिंग सेमिनार भी उसको कहते थे, विश्वास भी वहां मिलता था। तो दीपक सर ने क्या किया, कंसेप्ट क्या चेंज कर दिया, सिर्फ एक कस दिया, कहां से कहां बिजनेस चला गया। ए भाई देखिए इसमें क्या रहा? ठीक है सर, बढ़िया है, आप बोलिए। पिक्चर तो क्या हम बोल रहे थे सर कि हम लोग 300 रुपए की टिकट हर मंथ में लोगों को बेचना बड़ी कठिन था। 20 टिकट, एक आदमी को 10 टिकट बेचना बहुत कठिन था उस जमाने में, 300 रुपया 2001-2002 में। कितना लोग टिकट का पैसा लेके भी नहीं आते थे, आप सोचिए कि दीपक सर ने क्या किया कि 600 रुपया आप लगा दीजिए, किसी को ले जाइए, इनविटेशन दीजिए, लंच पर बुलाइए सेमिनार में। और आप, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि वो पैसा जाया नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। आपको हम अपनी बात बताते हैं, 20 लोगों को 600 रुपया लेके, कई लोग ऐसे मिले भी हमको जो जबरदस्ती हमको पैसा दे रहे थे, नहीं सर आपका पैसा, हम प्लीज पैसा ले लिया जाए, हम सेमिनार में आएंगे। हम कहे कि नो नो नो, आपसे हम सीनियर हैं, आज पैसा रखिए, हमको मत दीजिए। उसके बावजूद भी एक दो लोगों ने पैसा हमको मेरे गूगल पे पर भेज दिया। अब हम क्या कर सकते, लेकिन 20 आदमी को हम ले गए और मेरे एक व्यक्ति डाउनलाइन 20 आदमी को ले गए।
20 आदमी का मतलब 12,000 रुपया मेरा इन्वेस्ट हुआ। और जानते हैं परसों तक 65,000 रुपया हमारे अकाउंट में 2 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, और आगे पता नहीं कितना पैसा आएगा अगले 10 दिन में। कहां टूए थे ये पहुंच गए, और अगले एक हफ्ता में लाइकली है कि 10 दिन में बिफोर 13th मार्च सेमिनार 4A पहुंच जाएंगे। इट इज वेरी लाइकली। दिस इज द पावर ऑफ इवेंट। और हमको इतना दीपक सर पर बिलीव है, और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम कहे कि इसको सिंपल और हमारे लिए कैसे काम करे, दीपक सर का सोच व्हाई ही इज ए ग्रेट अपलाइन, क्यों उनसे हम इतना श्रद्धा प्रेम क्यों है, हमको पता है कि एक अक्षर मेरे लिए कुछ थोड़ा सा नट ठीक कर देंगे तो कहां से कहां चलेगा। अब आप लोग कोई प्रश्न पूछिए इवेंट्स के बारे में तो हम बोले। सर ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच।